कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने जनरल हेल्पिंग हैंड फॉर एवर पर। दोस्तों, आज जो आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने देखा कि जो आज वोडाफोन आइडिया का शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा लगभग 35% तक की उछाल इसमें देखने को मिली। तो चलिए बताते हैं कि क्यों ये इतना ज़्यादा उछला। तो यहाँ पर जो है न्यूज़ थी कि अल्फाबेट INC यानी कि गूगल इज लुकिंग टू बाय आउट 5% स्टेक इन वोडाफोन आइडिया। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया में जो है 5% हिस्सा जो है खरीदने जा रही है गूगल, और ये खबरें चल रही थी कल से। इसके बाद जो है स्टॉक आप देख सकते हैं कि आज ओपन होते ही किस तरह मूव किया। तो यहाँ पे आज के मूवमेंट के बारे में अगर बात करें तो इसका प्रीवियस क्लोज था 5 रुपए 80 पैसे का, और ओपन हुआ ये 6 रुपए 35 पैसे पे। जी हाँ, एक अच्छी गैप अप ओपनिंग सर्किट वाली ओपनिंग दी थी इसने, और यही आज का लो रहा। जो ओपन प्राइस था वही इसका लो था 6 रुपए 35 पैसे का, और फिर जब ये ओपन हुआ उसके बाद देखिए किस तरह ये सर्किट टू सर्किट स्टॉक भागता ही रहा ऊपर, और इसने आज जो है हाई बनाया वो था 7 रुपए 80 पैसे का, और इस दौरान जो है स्टॉक लगभग 35% की हाई बना चुका था। अब यहाँ पर जो है स्टॉक उसके बाद कंटिन्यू जो है मूव करता रहा, लगभग एवरेज प्राइस 7 रुपए से 7 रुपए 50 पैसे के बीच कंटिन्यू मूव करता रहा, और 2 बजे के बाद स्टॉक में एक सडन फॉल दिखा, बिल्कुल औंधे मुंह गिरा ये स्टॉक, और ये स्टॉक जो क्लोज हुआ वो हुआ 6 रुपए 55 पैसे के प्राइस पर। जी हाँ, इतना बेहतरीन उछाल देने के बाद जो है स्टॉक 6 रुपए 55 के भाव पे क्लोज हुआ, और अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो इसकी जो आज बढ़त थी वो 12.93% पे क्लोज हुई, यानी कि 12.93% की बढ़त लेकर ये क्लोज हुआ। तो चलिए जानते हैं कि ये क्यों औंधे मुंह गिर गया बाद में। तो यहाँ पर जो है वोडाफोन आइडिया ने एक्सचेंज को जो कम्युनिकेशन दिया वो आपको बता दूं, तो यहाँ पर एक्सचेंज ने को वोडाफोन आइडिया ने कहा कि जो है कंपनी बहुत सी जो है वेरियस अपॉर्चुनिटीज देखती रहती है जिससे वो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दिला सके, और जो डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बहुत से प्रपोजल ऐसे बनाते हैं, पर क्योंकि जो डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन है सेबी का रेगुलेशन एक्ट 2015 के तहत, उसके तहत उन्होंने कहा है कि करेंटली देर इज नो प्रपोजल एज रिपोर्टेड बाय द मीडिया, यानी कि जैसे कि मीडिया में बताया जा रहा है ऐसा कोई भी जो है प्रपोजल कंसीडर नहीं किया जा गया है बोर्ड मेंबर के द्वारा। और ये खबर जब वोडाफोन के जरिए आई तो बिल्कुल जो है शेयर औंधे मुंह गिरा, और उन्होंने साथ में कहा कि हम क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि और जो भी सेबी के नॉर्म्स हैं उनको वो कंप्लाई करते हैं, और कोई किसी भी तरह की प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कि रेगुलेशन के तहत रेगुलेटर को देनी पड़ेगी वो डेफिनेटली एक्सचेंज को देंगे। जो भी प्राइस सेंसिटिव बोर्ड अगर कोई भी डिसीजन लेता है या कोई भी एक्शन जो कि प्राइस सेंसिटिव रहेगा उसका इंफॉर्मेशन वो जरूर पहले एक्सचेंज को देंगे। तो ये उन्होंने पूरा क्लैरिफाई किया था। और दोस्तों, ये न्यूज मुझे कल से भी पर मुझे भी जो है मैंने पढ़ी थी कि ऐसा सुना जा रहा है कि वोडाफोन के जो शेयर्स हैं गूगल ले रहा है, बट इस पर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मुझे कहीं भी ये नजर नहीं आया था कि वोडाफोन के तरफ से ये कहा गया हो कि हाँ ऐसा प्रपोजल होने वाला है। सिर्फ रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स की ही बातें आ रही थी, पर कहीं भी मुझे वोडाफोन की तरफ से कोई भी जो है इस तरह का क्लैरिफिकेशन नहीं दिखा था, तो मैंने वो वीडियो नहीं बनाया था। पर यहाँ देखिए अब क्लियरली उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं हुआ था। तो आप अगर आज क्वांटिटी देखेंगे, ट्रेडेड क्वांटिटी थी वो लगभग 2,39,92,45,304 शेयर्स की थी दोस्तों, और डिलीवरी क्वांटिटी देखेंगे आप तो सिर्फ 97,72,99,227 शेयर की डिलीवरी हुई, और अगर मैं आपको इसको परसेंटेज में बता दूं तो ये था 24.06% की डिलीवरी भी जो है हुई आज इस शेयर में। तो मैं हमेशा कहता हूं जैसे कि इसके पहले एक्सिस बैंक का न्यूज आ रहा था दोस्तों, उसका भी मैंने जो वीडियो बनाया है आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो सिर्फ न्यूज बेस पे अगर आप स्टॉक खरीद लेंगे तो वो न्यूज जो कि अभी पूरी तरह सत्यापित भी नहीं हुई है तो वहां आपके फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर एक अच्छे इन्वेस्टर हैं आप तो एक अच्छे स्टॉक में निवेश करिए, और हाँ उसके फंडामेंटल्स चेक करके ही करिए। अब यहाँ पे अगर हम करंट मार्केट सिचुएशन देखें वोडाफोन आइडिया की, तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति वोडाफोन का 2G नेटवर्क, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि 2G नेटवर्क यूज कर रहे हैं और वो शिफ्ट करना चाहते हैं 4G पर, जी हाँ शिफ्ट या अपग्रेड करना चाहते हैं 4G पर, तो 4G पर शिफ्ट होने के लिए वो
आइडली क्या कर रहे हैं, या तो वो जियो पे शिफ्ट हो रहे हैं या भारतीय एयरटेल पे शिफ्ट हो रहे हैं। जी हाँ, इसीलिए अगर आप जनवरी में देखेंगे तो काफी ज्यादा है जो वोडाफोन आइडिया का कस्टमर बेस चेंज हुआ था। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि हम देख भी सकते हैं कि वोडाफोन को बहुत ज्यादा कैश फ्लो की जरूरत है अभी, क्योंकि उनको काफी ज्यादा जो है ड्यूज पे करने हैं, उसके बाद इनकी बैलेंस शीट भी काफी ज्यादा खराब है। तो कंपनी जो है लगभग 40 से 50% का इंक्रीमेंट, यानी कि 40 से 50% जो है उनकी ARPU इंक्रीज होनी चाहिए, तब वो अपने जो है क्वार्टरली कैश फ्लो को सस्टेन कर पाएंगे। ARPU का अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो वो होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी कि जो भी उनके एक्टिव यूजर्स हैं उनके जरिए कम से कम उनको 40 से 50% उनको जो है ARPU अपना बढ़ाना पड़ेगा, और जो कि बहुत मुश्किल काम है दोस्तों, क्योंकि अगर हम 15 से 20% देखें तो एयरटेल उसके लिए काम कर रहा है, और एयरटेल की जो भी स्थिति है या उनकी बैलेंस शीट है उसके हिसाब से वो ठीक है, वो संभल सकते हैं। बट अगर वोडाफोन को एक फंडामेंटली स्ट्रांग और बहुत अच्छी स्थिति में आना है तो उन्हें इंक्रीज करना पड़ेगा 40 से 50%, और जो कि बहुत मुश्किल काम है। तो इधर तो मुझे ये काफी टफ टास्क लगता है इनके लिए। और उसके बाद अगर आप देखें तो एज पर करेंट एनवायरमेंट बहुत अच्छी चीज होगी कि इस स्टॉक को अवॉइड ही करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्राइस मूवमेंट आएगा वो न्यूज बेस पे ही आएगा। कोई भी न्यूज आएगी, या तो कोई बाय करना चाहता है या कुछ भी न्यूज आएगी, उसी के बेस पे जो है प्राइस या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। पर हाँ, इस तरह से कि फंडामेंटली कुछ स्ट्रांग हुआ हो वो अभी इस कंपनी में बहुत जल्दी तो देखने नहीं मिलेगा। तो ये थी दोस्तों डेवलपमेंट जो कि वोडाफोन और वोडाफोन आइडिया के रिलेटेड थी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।